कभी ना कभी आपका ही फोन हो गया होगा चोरी, कभी भुला गया होगा, या फिर कभी गुम हो गया होगा कहीं ना कहीं और आपका फोन आपको नहीं मिला होगा। तो उस समय आप क्या करते हो, जाते हो अपने सिम प्रोवाइडर के पास, उस सिम को करवा देते हो बंद और आपका काम हो जाता है खत्म। मतलब कि अब तो फोन तो मिलने वाला नहीं है, गाड़ी वगैरह तो मिल भी जाते हैं पर फोन तो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी सरकार ने इस 2019 और 20 के सेशन में कमाल कर दिया है और वो एक अल्टरनेटिव या एक तरीका या एक लॉ आने वाली है जिससे कि आपका फ़ोन जो है वो चोरी हुआ वाला फ़ोन भी वापस मिल जाएगा और जिसे चोरी किया है वो उसे यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होने वाला है पूरा सब कुछ मान जरा आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो और आप समझ जाओगे क्या क्या होने वाला है और आप किस तरह से अपने चोरी हुए स्मार्टफोन को अपने पास फिर से रीगेन कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब सरकार करने वाली है क्या कि अब आपका एक रजिस्टर बनाने वाली है। इस रजिस्टर में क्या होगा, आपकी अटेंडेंस लगेगी, मतलब कि आपके पास फ़ोन है या नहीं है या फिर आपका फ़ोन चोरी हो गया, उसमें ये लिखाएगा। अब इस रजिस्टर में क्या लिखाएगा, आपका नाम तो नहीं, यहाँ पे लिखाएगा आपका IMEI नंबर। अब IMEI नंबर के बारे में पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि तो आपको ये जो पूरा मांजरा या पूरा प्रोसीड्यूर होने वाला है वो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब IMEI नंबर आप बोलते हो एक फ़ोन का फिंगरप्रिंट के हिसाब से ही है, मतलब जैसे हम सभी का फिंगरप्रिंट अलग होता है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह से हर फोन के पास एक यूनिक IMEI नंबर होता है। पहले क्या होता था, जो चाइनीज फोन्स थे वो एक ही IMEI नंबर पे बहुत सारे फोन लॉन्च कर देते थे। मतलब कि पाया गया था कि इंडिया में जितने भी चाइनीज फोन थे उसमें से 40% जो थे वो IMEI नंबर मतलब कि फ्रॉड करते थे और सभी पे एक ही फिंगरप्रिंट चढ़ा देते थे। तो बाद में अभी इसे पकड़ा भी गया और ये लिटरली बिल्कुल आप बोल सकते हो कि बंद भी हो गया है। और पहले क्या हो गया था कि अब YouTube पे दिखाया जा रहा था कि IMEI नंबर कैसे चेंज होते हैं और बहुत लोगों ने तो मुझसे भी पूछा कि IMEI नंबर कैसे चेंज हो सकते हैं वो मुझे बताओ। तो IMEI नंबर अब बोलते कि अब तो बिल्कुल नहीं चेंज हो सकते हैं क्योंकि अब ये एक फिंगरप्रिंट को चेंज करने के हिसाब से बात है। अब मान लो मेरा जो हाथ उसमें जो फिंगरप्रिंट है वो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, अगर प्लास्टिक सर्जरी कराया जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे IMEI नंबर कुछ इस तरह से होता है। अब आपका एक स्मार्टफोन है, डुअल सिम वाला स्मार्टफोन ही होगा, तो उसमें दो IMEI नंबर होंगे और दोनों यूनिक होंगे। अगर क्वाड सिम वाले मतलब कि अगर उसमें चार सिम होते हैं तो चार होंगे IMEI नंबर, और अगर सिंगल सिम वाला स्मार्टफोन है तो उसमें एक IMEI नंबर होगा। और ये सभी चीज़ बिल्कुल अब तो बिल्कुल यूनिक होगा और अलग अलग होगा। तो अब चाह के भी कोई दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है, मतलब अगर आप कोई भी गवर्नमेंट हमारी चाहे तो वो नज़र रख सकती है एक पार्टिकुलर बंदे पे उसके IMEI नंबर पे, क्योंकि IP एड्रेस चेंज हो जाता है, MAC एड्रेस चेंज हो सकता है, वाईफाई एड्रेस चेंज हो सकता है, पर IMEI नंबर चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आत्मा चेंज हो सकती है पर बॉडी, यहाँ पे बॉडी नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारा फिंगरप्रिंट, तो इसे कहते हैं IMEI नंबर। अब IMEI नंबर से क्या हो सकता है, तो हमारी सरकार का कहना ऐसा है कि 2009 में हमारे DOT ने एक ऐसा कुछ लॉन्च किया था, ऐसा कुछ मतलब कि रिप्रेजेंट रखा था सरकार की तरफ से कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कि अगर फ़ोन चोरी हो गया तो हम उस फ़ोन को कैसे गेन कर लें। तो वो क्या कर रही थी कि IMEI नंबर को सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल दे रही थी और उसे ब्लॉक कर दे रही थी, जिससे कि क्या होता था कि IMEI नंबर अगर ब्लॉक हो गया मतलब मान लो शरीर काम करना बंद हो गया तो वो जो पर्सन है वो सिर्फ कोमा में ही रह जाएगा। मतलब कि उसमें आप सिम कार्ड डालो नहीं डालो बात बराबर है क्योंकि काम तो करने वाला है नहीं। यहाँ पे फोन आप बोल सकते हो बिल्कुल ऐसा ही ब्रिक बन के रह जाएगा, मतलब सिम कार्ड आप कोई सा भी लगा लो काम नहीं करेगा, ना ही कोई वाईफाई में वो कनेक्ट हो पाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपका फ़ोन जो है वो सिर्फ हार्डवेयर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो चोर लोग होंगे वो भी चोरी करने से एक बार पहले सोचेंगे कि चोरी करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं क्योंकि हम तो इसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही सरकार करने वाली है। अब इसके लिए इसने बनाए हैं एक रजिस्टर जिसका नाम है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसमें कि आपके IMEI नंबर को लिखा जाएगा। अब इसके अंदर तीन लिस्ट बनाए गए, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट में आते हैं वो लोग जैसे कि हम जैसे लोग जो जिनके पास एक स्मार्टफोन है और वो अपना ही स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, दूसरा का चोरी नहीं कर रहे हैं। ग्रे लिस्ट में आते हैं वो लोग जिनके पास जो फ़ोन है वो थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है DOT के तहत, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत, मतलब कि उनका जो फ़ोन है वो शायद चोरी किया हुआ है या कुछ वो गलत काम कर रहे हैं या IMEI के साथ छेड़खानी करने की सोच रहे हैं, वो इसके लिस्ट के अंदर आते हैं। और इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है, तो आप समझ सकते हो आप बिल्कुल शक के दायरे में हो। अब आता है ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में आते हैं वो लोग जो कि चोरी किया फ़ोन चला रहे हैं और ये पता चल गया है गवर्नमेंट को कि हाँ ये फ़ोन चोरी किया हुआ है, और इस ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद क्या होता है कि आपका जो फ़ोन होता है वो बन जाता है एक पत्थर यानी एक ब्रिक, यानी कोई भी फ़ोन वो यूजलेस रह नहीं आता है क्योंकि वाईफाई काम नहीं करेगा, सिम काम नहीं करेगा, तो वो फ़ोन बस आपके गेम खेलने वगैरह में ही काम आ सकता है, वो भी ऑफलाइन गेम, PUBG तो आप खेल ही नहीं पाओगे। तो कुछ ये था जो सरकार लाने वाली है इस 2019
2019 और 2020 वाले सेशन में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को पहले आप लाइक करने से पहले प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करना ज़्यादा जरूरी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वाले वेडनेसडे को, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ।